सुंदर सा गांव था जहां बहुत सारी हरियाली और बहुत अच्छे लोग रहते थे। उस गांव में था एक छोटा सा 6 साल का लड़का वीरू नामक। वह बहुत ही बुद्धिमान, चंचल और दयालु लड़का था। उसके माता पिता और सारे अध्यापकों को उस पे गर्व था। वीरू के सबसे अच्छा मित्र का नाम था जगन। सब लोग उनकी दोस्ती की चर्चा किया करते थे। साथ साथ स्कूल आते जाते थे। हर रोज की तरह एक दिन वीरू और जगन स्कूल से वापस लौट रहे थे। जगन के घर तक पहुंच गए। अलविदा जगन, कल मिलेंगे। वीरू गुनगुनाते हुए अपने रास्ते चलता रहा। अचानक से उसको एक पौधे के पीछे कुछ चमकीला नजर आया। उत्सुकता से उसने उस चीज को उठाया। वह एक सुंदर और पुराना चिराग था। वीरू ने चिराग अपने साथ लिया और घर पहुंचकर अपने मेज पर रख दिया। वीरू ने अपना काम जल्दी समाप्त किया और चिराग के बारे में भूल ही गया। अपने पुस्तकों को बंद किया और तभी उसकी नजर फिर से उस चमकीले चिराग पर पड़ी। वीरू ने चिराग को उठाया और चारों ओर से जांचने लगा। उसको थोड़ा सा रगड़ा और उसी समय एक नीला जिन बाहर निकल आया। वीरू जिन को देख के आश्चर्यचकित रह गया। दूसरी ओर जिन वीरू को देख के बहुत प्रसन्न हो गया। प्रणाम बच्चे, मैं एक जिन हूँ। मुझे इस चिराग से आजाद करने के लिए धन्यवाद। जिन की बात सुनकर वीरू अब थोड़ा शांत हो गया, पर अभी भी जिज्ञासु था जांच करने। प्रणाम जीनी जी, मेरा नाम वीरू है। आप कौन हो और इस चिराग के अंदर क्या कर रहे हो? मैं इसी चिराग में रहता हूँ। मुझे बाहर निकलने के लिए इस चिराग को रगड़ना होता है। बहुत सालों से किसी ने भी मुझे बाहर निकाला ही नहीं, पर आज तुमने मुझे निकाला। अब मैं तुम्हारा सेवक हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम जो चाहे मांग सकते हो और मैं वह पूरी करूँगा। ये सुनकर वीरू बहुत ही उत्साहित हो गया। सच? क्या आप सच में मुझे कुछ भी दोगे? हाँ, क्यों नहीं। मुझे एक गेंद चाहिए खेलने के लिए, आप दे सकते हो? अवश्य। अब तुम मेरे दोस्त हो ना, चलो आओ साथ खेले। ओ वाह, क्यों नहीं, खेलते हैं। जैसे दिन बीतते गए, वीरू और जीनी पक्के दोस्त बन गए। एक दिन वीरू को पता चला कि एक एक करके गांव में उसके कुछ दोस्त गायब होने लगे। वीरू परेशान होकर गांव वालों के पास पूछताछ करने गया। वहां से उसको पता चला कि पिछले एक हफ्ते से ये हो रहा था। वीरू अब सोचने लगा कि उसके दोस्तों को कैसे ढूंढा जाए। वीरू ने अपने दोस्त जीनी को बाहर बुलाया और उसको मदद के लिए मांगा। जीनी ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और उस जगह का पता लगाया जहां पर शायद सारे बच्चे होंगे।
वीरू और कुछ दोस्त उस स्थान पर जा पहुंचे। वहां एक गुफा था। दूर से अपने बाइनोकुलर्स की मदद से वीरू ने अपने खोए हुए दोस्तों को वहां पर देखा। वीरू जल्दी गांव वापस आया और गांव के लोगों को इस बारे में बताया। सब बहुत गुस्से में आ गए और हर कोई हथियार अपने हाथों में लिए उस गुफा की ओर निकल पड़े। दरअसल एक चुड़ैल ने बच्चों को उस गुफा में पिंजरे में बंद करके रखा था। क्रोधी गांव के लोग चुड़ैल पर वार करने लगे। तभी चुड़ैल डर कर वहां से भाग गई। जीनी की सहायता और वीरों की वीरता से सब बच्चे सुरक्षित वापस आ गए।